तो दोस्तों चलिए हम इसकी से ओपन करते हैं। ये ब्लू डार्ट के द्वारा आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी कीमत इसके ऊपर दी हुई है, तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों ये बॉक्स से निकला, अब इसको बॉक्स को निकालेंगे हम। वैसे काफ़ी अच्छी पैकिंग दी हुई है। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स निकला, इसको देख लेते हैं। ये इसका है बिल, इसमें सब डिटेल्स लिखी हुई है। आप देख सकते हैं इसका प्राइस है। तो चलिए अब हम करते हैं अपने रोपो रेनो 6। ये देखिए दोस्तों क्या गजब का फ़ोन होने वाला है आपके सामने है, रेनो 6 5G। हाँ दोस्तों बस डब्बा कितना अच्छा दिया हुआ है, और हम इसे ओपन करेंगे। हम इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों कि ये सील बंद है कि नहीं है, ऐसा न हो कि दोस्तों हमें चारों ओर से चेक कर लिया है। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर से पन्नी उतार दिया, अब इसमें से निकलेगा हमारा स्मार्टफोन। तो दोस्तों इसमें से हमें एक और टेप लगी हुई है, इसको उतारना पड़ेगा। चलिए हमने इसको भी उतार दिया। ये लीजिए, अब हम इसको इस साइड में कहीं और देख लेते कि कहीं और सील तो नहीं। चलिए ये हमने कर दिया है ओपन, इसको हम साइड में कर देते हैं और अब हम इसको निकालेंगे।
तो दोस्तों ये है इसका USB टाइप सी USB केबल है, देख सकते हैं ये इसका टाइप सी केबल है। और ये आया है, ये इसका ईयरफोन है, सिर्फ जो अभी ओप्पो ही प्रोवाइड करता है ईयरफोन फ़ोन के साथ, वरना और कंपनी सभी ने बंद कर दिया है। बहुत अच्छा क्वालिटी दिया हुआ है। और ये है हमारा अडेप्टर, ये 65 वोल्ट का दिया हुआ था, हम देखते हैं इस पर कितना लिखा हुआ है, 65 एम्पियर का ही लिखा हुआ है। 65 एम्पियर का जो वाट का चार्जर है ये, 65 वाट्स फर्स्ट चार्जर। अब ये देखते हैं अडेप्टर, तो चलिए इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं ये इसका, और ये रहा हमारा फाइनली स्मार्टफोन। वाओ अमेजिंग। और इसके साथ एक और ये क्या दिया, इसमें इसका ये कवर है, वारंटी कार्ड होगा, ये इसका कवर है, ये इसमें कवर दिया हुआ है, ये देखिए फ्लेक्सिबल कवर दिया हुआ है, कितना प्यारा, ये देख लीजिए ये। तो चलिए हम इसको साइड रखते हैं। ये है इसकी मैनुअल, यूज़र मैनुअल, और ये यूज़र मैनुअल है, ये इसमें वारंटी कार्ड दिया हुआ है इसको। दोस्तों यदि आप भी इस फ़ोन को ख़रीद रहे हैं तो आपको इससे संभाल कर रखना होगा, क्योंकि वारंटी कार्ड ही होता है, ताकि जो कुछ हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो इससे दिखाकर हम ओप्पो स्टोर से सही करवा सकते हैं। तो चलिए हम ऑन कर लेते हैं हमारे ओप्पो रेनो 6 को, ये स्मूथ फोन दोस्तों, अब देख रहे हो कितना स्मूथ फोन है, कितना स्लीम। ये देखिए दोस्तों, आज मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा फोन खरीदा है, ये तो हम चेक कर लेते हैं कहीं इसमें स्क्रैच या कुछ और ऐसी दिक्कत होने, ताकि हम इसे रिप्लेसमेंट कर सके। हम आपको दिखा देते हैं, टाइप सी चार्जर दिया हुआ है इसमें। कैमरे की बात की जाए दोस्तों, का कैमरा आप फ्लिपकार्ट पे जाकर इसके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अमेजिंग कैमरा है। तो चलिए हम इसको ऑन कर लेते हैं। दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11 पर ये बनाया गया है, जो इसका बेस है एंड्रॉयड जो काम करता है एंड्रॉयड 11 पर। वाओ दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आया है, यदि आपने भी ये फ़ोन लिया है आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है, शुरू में आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, आप कौन सी लैंग्वेज में इसे यूज करना चाहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारी दी हुई, तो आपको सेलेक्ट करना है आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। तो जो हमारी इंडिया में बोले जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज है, वो यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज है, नहीं अमेरिका वाली। तो चलिए हम इसे ही नेक्स्ट कर देते हैं। अब बोला है टर्म्स ऑफ सर्विस। अब दोस्तों यहाँ पर ये जब भी नेक्स्ट होगा, ओपन हो पाएगा जब आप ये टर्म एंड कंडीशन आप इनको फॉलो कर दोगे, यानी कि ये जो नीचे बटन दिया हुआ है ये डब्बा, इसको आपको राइट कर देना, तो ये सारी राइट हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब पहले ये जो चार ऑप्शन है हम इनको पढ़ लेना, यूजर एग्रीमेंट है, यूजर प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम एंड सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव प्रोग्राम्स। ये हमारी जो सिक्योरिटी है, मतलब
और एग्रीमेंट होता है। तो आप यदि जानना चाहते हैं इनके बारे में तो आप इन पर जो ये डॉट का निशान लिखा है आई बटन, इस पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ बोला है कनेक्ट टू वाईफाई मैनुअली ऐड नेटवर्क, लेकिन यदि आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हमें अभी इसे स्किप कर देते हैं। अभी दिखा रहा है कि ऑटोमेटिकली सडनली बेस्ट वाईफाई, आप इसे ऑन कर सकते हैं। ये जो आपके आसपास के कोई नेटवर्क होगा वाईफाई वो सिलेक्ट कर लेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपको इसमें अपना गूगल अकाउंट फिल करना होगा, इसमें आपकी लोकेशन या नो करनी पड़ेगी मोर, एंड इसको एक्सेप्ट करना होगा। सेट अनलॉक मेथड, अब पासवर्ड या फिंगरप्रिंट या फेस या इसको बाद में सेट करना चाहिए, तो चलिए हम इसको बाद में कर लेते हैं। अब आपका आता है टैब अकाउंट्स, आप इसमें अभी रजिस्टर करना चाहते हैं या बाद में। तो चलिए हम आप रजिस्टर भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको अभी हम रजिस्टर नहीं करने वाले क्योंकि अभी इसमें नेट नहीं है, क्योंकि नेट के बिना रजिस्टर नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम बाद में कर लेते हैं। ऑटो अपडेट ओवरनाइट्स, इसको ऑन रहने देना है आपको, जैसे आएगा इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको नेक्स्ट करना होगा। इंपोर्ट डाटा, आप इसमें नए जो आपका ओल्ड फ़ोन है, ओल्ड फ़ोन से आप न्यू फ़ोन में अपना डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसमें से आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरा क्लियर ही बताने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। देन इसको फिर नेक्स्ट करना होगा आपको। आपको इसमें गेस्चर सिलेक्ट करना है, आप जैसे ये स्लाइड हो रहा है ऐसे स्लाइड होगा, या मतलब ऐसे वाला आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेविगेशन बटन्स, जैसा आप देख रहे हैं ये वाले बटन चाहिए या नहीं चाहिए, हमको नेविगेशन बटन चाहिए तो नेविगेशन कर दिया। तो हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा या आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने ऐसा ही देखा था नेट पर भी, आपने देखा होगा बिल्कुल सेम वही कलर से इसके अंदर। तो चलिए हम इसको थोड़ा ये देख, इसमें जो ऐप्स आए हैं वो दिखा देते हैं कौन कौन से ऐप्स हैं इसके अंदर।